नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आर्यन केस में, आर्यन के ऊपर जेल में बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। क्यों आर्यन को आर्थर जेल में दूसरे बैरक में रखना पड़ा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों बात कर रहे हैं आर्यन, काफ़ी मतलब कह सकते हैं दिनों से जेल में बंद है। काफ़ी दिनों का मत कहने का मतलब यही होता है कि आर्यन का एक दिन जेल में रहना ही वो बहुत सालों के बराबर आर्यन को लग रहा होगा। लेकिन इस बीच एनसीबी की सुनवाई जो है वो 20 तारीख को होने वाली है, जहां पे ये पता चल जाएगा कि आर्यन को बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी इस केस में जो है आर्यन आर्थर जेल में बंद है। आर्थर जेल में 3500 से ज़्यादा कैदी बंद है और इस वजह से जिसमें से 1000 कैदी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूंखार हैं। तो आर्यन के ऊपर ये संकट मंडरा रहा है कि आर्यन के जो दोस्त है अरबाज, उसके ऊपर वो भी जेल में बंद है आर्यन के साथ, उसके ऊपर जो कह सकते हैं कि एक हमला होने वाला था जिसको पुलिस ने नाकाम किया, उसके वजह से आर्यन को अभी दूसरे बैरक में शिफ्ट किया गया है। मैं बता दूँ आपको कि आर्यन के पीछे 3 हवलदार को रखा गया है ताकि आर्यन के साथ कोई भी किसी भी तरह का बदसलूकी ना हो सके या किसी भी तरह का कोई उसको परेशान ना कर पाए। तो इसी वजह से आर्यन को दूसरे बैरक में शिफ्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और कल है 20 तारीख, कल फिर से बेल के ऊपर सुनवाई होने वाली है। देखते हैं कल क्या अदालत फैसला सुनाती है, क्या आर्यन को मिलता है जमानत या आर्यन फिर से जेल में ही रहेगा, ये आपको कल के वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन की घंटी बजा देना ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।